अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा ड्राइंग का पीरियड है। तो आप लोग इस तरह से ड्राइंग का एक पेपर लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से स्केच पेन की मदद से खड़ी लाइन खींचिए। आप लोग स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से खड़ी लाइन लेकर आप लोग ड्राइंग बनाने की शुरुआत करेंगे। दो आमने सामने खड़ी लाइन खींचेंगे, उसके बाद दोनों को आप लोगों को मिलाना है हाफ सर्कल की मदद से। हाफ सर्कल इस तरह से बनाकर हम लोग दोनों लाइन को इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, हो गया आप लोगों का सबका इतना। हाँ, इतना होने के बाद आप लोगों को उसको और डार्क करना है। इस तरह से डार्क कीजिए। उसके बाद आप लोगों को नीचे की जो लाइन का आखिरी सिरा है उसको आड़ी लाइन की मदद से मिलाएंगे। लाइन की मदद से मिलाएंगे, आड़ी लाइन की मदद से इस तरह से दोनों सिरों को मिला देंगे, डार्क करेंगे। ये हमारा आइसक्रीम का ऊपर का हिस्सा बन गया। उसके बाद नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे और उसकी आइसक्रीम की जो कैंडी होती है ना, डंडी, तो वो बनाएंगे इस तरह से। तो ये बन गई हमारी आइसक्रीम, है ना, कैंडी आइसक्रीम। अब आप लोग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं आइसक्रीम की। हम इस तरह से कर्व बनाकर इस तरह से आइसक्रीम में डिज़ाइन करेंगे। आराम आराम से कीजिए आप लोग ड्राइंग, और इस तरह से ये कर्व बनाकर आइसक्रीम को हम ये ऐसा लग रहा है जैसे आइसक्रीम पिघल कर बह रही है ना, आइसक्रीम पिघलती है ना, बर्फ की होती है। तो ये इस तरह से बन गई, लग रही है आइसक्रीम टेस्टी देखने में। अभी हम इसको थोड़ा और सजावट करेंगे। तो उसके लिए आप लोग इस तरह से एक बड़ा सा सर्कल बनाइए। अगर आप लोग अपने हाथ से बना सकते हैं तो ऐसे ही बनाइए, या कोई कॉइन वगैरह सिक्का विक्का लेकर बना सकते हैं सिक्के की मदद से, तो तरह से बनाइए। फिर उसकी ये हमको आँख बनाना है। तो ये इस तरह से हम बनाएंगे। उसके अंदर एक राउंड बनाकर उसको हम डार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से डार्क करेंगे। उसके बाद और डार्क कीजिए इसको। डार्क करने के बाद ये इस तरह बन गया। अब इसमें हमको थोड़ी और डिज़ाइन कर, तो आप लोग यहाँ पर भी इस तरह से बनाएंगे एक बड़ा सा सर्कल। जैसे इसके पहले जो आपने बनाया है सर्कल, ऐसे ही बनाएंगे। सर्कल को डार्क करेंगे, इसके बाद अंदर से उसके एक हाफ सर्कल बनाएंगे। इस तरह से धीरे 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 बनाइए आराम से। उसके बाद उसको भी बीच में एक छोटा सर्कल बनाएंगे और आसपास का जो हिस्सा है उसको हम डार्क करेंगे। ठीक है, इस तरह से डार्क करने के बाद आराम से डार्क कीजिए आप लोग। यहाँ पर ब्लैक पेन से कर रहे हैं, आप लोग उसको कलर से भी कर सकते हैं, अपने मनपसंद कलर। इस तरह से ना डार्क करके इसको, ये हमारी आइसक्रीम कैंडी रेडी हो गई। अब आप लोग इसको और डार्क करके इसको खूबसूरत बनाएंगे। इसके बाद हमको बीच में एक उसका स्माइली फेस देना है आइसक्रीम का। देखो कितने अच्छे लग रहे ना, उसका हमने एक स्माइल दे दिए। इसके बाद अभी यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको इस तरह से ये बूंदों की शक्ल बनाना है, बूंद जैसे गिरती है ना इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे और ये आइसक्रीम में इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। आप जब कलर करेंगे इसमें तो आप लोग इसको अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। पहले ब्लैक में बनाइए और उसके बाद इसको अलग अलग कलर कीजिए। थैंक यू।